हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर टेंथ के बाद कौन कौन से स्कॉलरशिप भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता कौन से स्कॉलरशिप भरना है, कौन से स्कॉलरशिप से हमें पैसे आ सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है कि टेंथ में जो लोग पास आउट किए हैं इस साल, वो कौन कौन से स्कॉलरशिप भर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहे बिना स्किप किए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं। और मैं इसका लिंक भी बताऊंगा कहां से आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है बिहार स्कॉलरशिप, जो कि सब लोग जानते हैं कि बिहार स्कॉलरशिप पास आउट स्टूडेंट को 10,000 रुपया देता है। दूसरा नंबर आता है आपको नेशनल स्कॉलरशिप। ये बिहार स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप ये दोनों अलग अलग है। नेशनल जो स्कॉलरशिप होता है ये राष्ट्रीय लेवल पे होता है, बिहार स्कॉलरशिप स्टेट लेवल पे आता है, स्टेट सरकार देती है इसका पैसा। और तीसरा नंबर आता है बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप, जो कि ये भी नेशनल लेवल पे आता है। जो लोग कोई भी स्टेट के लोग भर सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। चलिए तीनों स्कॉलरशिप के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे इसका फॉर्म भरते हैं और कहां से इसका फॉर्म, कौन से लिंक से इसका फॉर्म भरा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बिहार स्कॉलरशिप देखते हैं। बिहार स्कॉलरशिप के लिए आपको खोल लेना है, गूगल खोल लेना है और उस पर लिखना है ई कल्याण। कल्याण बिहार पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ई कल्याण बिहार h.nic.in पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब जितने भी ऑनलाइन के प्रोसेस है, चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो भी स्कीम आता है यहाँ पे आ जाता है। जैसे ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पे। लेकिन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्थान प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए ही है, मतलब अभी 2020 का अभी फॉर्म नहीं आया है। अगर 2020 का फॉर्म आएगा तो यहाँ पर आपको लिंक के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा 2020 का। ये हो गया ये बिहार स्कॉलरशिप का हो गया। और मैं आपको बता दूं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आपको एनएसपी पोर्टल लिखने के बाद आपको लॉगिन हो जाना है। तो ये फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अगर नेशनल स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब कुछ देख लेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं ईज़िली। कंटिन्यू पे क्लिक करके नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद एक आता है बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप। इसको क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। आप इसको करना ही क्या, पहले इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर ओपन जैसे करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये भी स्कॉलरशिप कमिंग सून आने वाला ही है, और आने वाला जब जैसे आएगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके
रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये गाइडलाइन पढ़ लेने के बाद जैसे ही फॉर्म का डेट आ जाएगा यहाँ पे आपको लिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह मैंने तीनों स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया है, और अब जैसे ही सबका फॉर्म आए, जैसे अभी नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म आ चुका है, आप जाके भर सकते हैं इसी साइट से। बिहार स्कॉलरशिप और बेगम हज़रत मालवीय महल नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।